नमस्कार, आप देख रहे हैं समय न्यूज और मैं हूँ आपके साथ पूजा शर्मा। हम आपको दिखाएंगे राजनीति, मनोरंजन, क्राइम, खेल और आम क्षेत्र से जुड़ी सारी अहम खबरें। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। रक्षा सूत्र के माध्यम से प्रेम और सुरक्षा के संकल्प का पर्व रक्षाबंधन इस बार जिले के लिए अंतर्राष्ट्रीय गौरव का कारण बनने जा रहा है और गौरवशाली पहल के सूत्रधार जिले के बहुआयामी पुलिस अधिकारी आईपीएस संतोष कुमार सिंह होंगे। 3 अगस्त को रक्षाबंधन पर्व पर जिले भर में रायगढ़ पुलिस के द्वारा करीब 5 लाख से ज्यादा मास्क बांटे जाएंगे। एक दिवस में मास्क का यह वितरण सर्वाधिक बड़ा आंकड़ा होगा जो विश्व रिकॉर्ड में दर्ज होगा। कोविड-19 महामारी की रोकथाम से जिला पुलिस के इस महाअभियान को पूरे समाज का सहयोग मिल रहा है। उल्लेखनीय है कि यह एक ही दिवस में 5 लाख मास्क से वितरण का जिला पुलिस का अभियान विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहा है तथा यह अभियान विश्व रिकॉर्ड में दर्ज की ओर अग्रसर है। इस संदर्भ में एसपी संतोष कुमार सिंह के पास संबंधित संस्था की दूरभाष से एक चर्चा भी हो चुकी है। एसपी सिंह का कहना है कि जन सुरक्षा से जुड़े इस अभियान को यदि अपेक्षित सामाजिक सहयोग मिल जाता है तो इस रक्षाबंधन मास्क के वितरण की विश्व रिकॉर्ड बनकर रहेगा जिसमें पूरे जिले की सहभागिता दर्ज होगी। पुलिस अधीक्षक ने यह भी बताया कि मास्क सुरक्षा सूत्र अभियान के आगाज की सूचना मिलने के बाद मास्क के निर्माता संस्थाएं व व्यवसायिक इकाइयां स्वेच्छा से लाखों मास्क पुलिस विभाग को प्रदान करने आगे आने लगी हैं। कोविड संक्रमण के समय मास्क की अनिवार्यता और जो सोशल डिस्टेंसिंग के नाम के पालन करने की आवश्यकता बहुत ज्यादा हो गई है। इसी को एक अवेयरनेस के ड्राइव के रूप में हम लोगों ने रायगढ़ पुलिस एक अभियान चालू कर रहे हैं। इसका नाम हम लोगों ने दिया है कि इस रक्षाबंधन एक रक्षा सूत्र मास्क का, जिसमें हम लोग ये प्रमोट कर रहे हैं कि रक्षाबंधन के दिन बहने जो भाइयों को राखी बांधती हैं तो राखी के साथ साथ एक मास्क भी गिफ्ट करें, भाई भी उनको मास्क गिफ्ट करें। साथ साथ लोग जो हैं सभी अपने दोस्तों को, परिजनों को, दुकानदार अपने ग्राहकों को और नियोक्ता अलग अलग उद्योगों के लोग अपने कर्मचारियों को, सभी लोग जो भी इसमें शामिल होना चाहें सभी लोग अपने आसपास के लोगों को मास्क दे करके एक संकल्प लें कि हम लोग मास्क यूज करेंगे। ये बेसिकली एक अवेयरनेस ड्राइव है जिसमें मास्क को हम लोग बढ़ावा देने का उपाय कर रहे हैं। रायगढ़ पुलिस द्वारा भी इसमें लोगों के जन सहयोग से 5 लाख से ज़्यादा मास्क वितरित करने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है जो रक्षाबंधन के दिन गिफ्ट के रूप में दिया जा सकेगा। यह एक दिन के रक्षाबंधन के दिन का अभियान होगा क्योंकि रक्षाबंधन जैसा हम जानते हैं कि एक सुरक्षा और संकल्प का त्यौहार होता है। उसको हम लोगों ने सुरक्षा से जोड़ते हुए ये कहा है कि कोरोना में जैसे मास्क ही एक सुरक्षा का सबसे बड़ा रक्षा सूत्र है तो उसको लोग प्रमोट करें और पुलिस इस अभियान में लोगों को जोड़ भी रही है। लोगों का बहुत ही अच्छा सहयोग मिल रहा है, लोगों में उत्साह भी देखा जा रहा है। बहुत सारी संस्थाएं और उद्योग, व्यापारी, मीडिया के साथ ही लगातार हमारे पास आ रहे हैं और उसमें अपना उत्साह दिखा रहे हैं। मास्क भी लोगों द्वारा पुलिस को गिफ्ट दिया जा रहा है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे। हम लोग उम्मीद करते हैं कि एक रिकॉर्ड संख्या में मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन होगा जो रायगढ़ के लोगों को समर्पित होगा। खबरों की दुनिया में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए समय न्यूज। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हर ताजा अपडेट के लिए दबाना ना भूले बेल आइकन। नमस्कार।